इंदौर शहर में 196 दिनों बाद दोबारा से लगे लॉकडाउन का व्यापक असर देखने को मिला। रविवार सुबह से ही पुलिस के साये में इंदौर शहर रहा, जहां पुलिस ने अनावश्यक रूप से घूमने वालों पर कार्यवाही भी की। कोरोना का संक्रमण लगातार इंदौर शहर में अपने पैर पसारता नजर आ रहा है, जिसके बाद एक बार फिर सरकार द्वारा संडे को लॉकडाउन घोषित कर दिया गया। वहीं इसका व्यापक असर शहर में भी देखने को मिला, जहां चप्पे चप्पे पर पुलिस बल तैनात भी रहा। वहीं अनावश्यक रूप से घूमने वालों पर पुलिस की सख्ती भी दिखी। इंदौर DIG मनीष कपूरिया ने बताया कि इंदौर शहर में शहर का ही थाना बल लगाया गया है, जो व्यवस्था संभाले हुए है। इसके अलावा कोई अतिरिक्त बल लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ रही है, क्योंकि लॉकडाउन को लेकर इंदौर शहर के लोग ही पुलिस का भी सहयोग कर रहे हैं। फिलहाल ऐसी कोई बड़ी घटना अब तक सामने नहीं आई है, शांतिपूर्ण तरीके से लॉकडाउन का पालन भी कराया जा रहा है। इंदौर से ब्यूरो राकेश सच्चर के साथ सतीश शर्मा की रिपोर्ट। सर, लॉकडाउन लगा रखा, किस तरीके से पुलिस प्रशासन सख्ती से लॉकडाउन का पालन करवा रहा है? ये बहुत संतोष का विषय है कि हमारे शहर के नागरिकों द्वारा ही इस लॉकडाउन को सफल बनाया जा रहा है, और हमें अभी तक एनफोर्स करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी है। सुबह के टाइम जो दूध के लिए जो लोग निकले, वे भी बहुत समय से और बहुत जल्दी से वापस लौट गए, और अभी आप देख रहे होंगे शहर की अधिकांश सड़कें लगभग खाली हैं। एक बहुत अच्छा पहलू ये भी सामने आया कि जो कुछ स्टूडेंट्स बाहर से आए थे PSC एग्ज़ाम्स के लिए, तो मैंने मॉर्निंग में देखा कि कुछ हमारे ही स्टाफ के लोग उनको अपने वाहनों से उनके गंतव्य स्थान तक पहुंचा के आए, क्योंकि उनके पास साधन नहीं था अपने एग्जामिनेशन सेंटर पहुंचने का। तो ये विद द हाईएस्ट ट्रेडिशंस ऑफ इंदौर ये इसको एनफोर्स किया जा रहा है, लोगों का भी पूरा सहयोग है। आई थिंक हम कोरोना को डिफीट कर पाएंगे। सर, सुबह से बात करें तो लगभग एक्स्ट्रा कितना बल लगा है आज लॉकडाउन को लेकर? हमारे थानों का ही बल है, इसके अतिरिक्त बल की आवश्यकता ही नहीं पड़ी। इसमें स्टॉप एंड सर्च भी हम कर रहे हैं, रात्रि से हमने अनाउंसमेंट्स भी किए थे नगर निगम के साथ, वो सारे मजिस्ट्रेट्स भी हैं, पुलिस स्टाफ है, और नगर निगम का भी अमला हमारे साथ। शहर में कोई अप्रिय घटना का समाचार है? अभी तक इस प्रकार की कोई अप्रिय घटना नहीं घटी। सर, देखा जा रहा है कि कुछ बड़े स्टोर जैसे पहले पाकिजा था, कल विशाल मार्का मार्ट भी देर रात तक खुले रहे, तो इससे बड़े स्टोर दिख रहा, आप क्या सख्ती बरते हैं? सभी को ये जो प्रोहिबिटरी ऑर्डर है 144 का, इसका पालन करना सबके लिए अनिवार्य है, और जो नहीं करेगा कानून अपना काम करेगा। थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।